नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या से बहुत ही जल्द छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों बवासीर की समस्या गैस बदहजमी के कारण होता है। दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं या फिर अपने घरों में ज़्यादातर मसाला का सेवन करते हैं या फिर ज़्यादातर तेल का सेवन करते हैं तो आपको गैस की समस्या बनी रहती है। तो फ्रेंड्स यही समस्या आगे चलकर आपके बवासीर को पैदा करती है, उजागर करती है। तो फ्रेंड्स बवासीर को ठीक करने के लिए आप बहुत सी तरह के दवाई का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सी तरह के क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स जब आपका बवासीर ठीक नहीं हो पाता है तो आप सर्जरी कराते हैं या फिर ऑपरेशन कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उसमें बहुत से रुपये का खर्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का यह नुस्खा है जो कि आप इसका लगातार 3 से 4 दिन तक करते हैं तो जो आपकी पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को। इस रेमेडी में आपको सबसे पहले चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स गुलाब के पंखुड़ियों की। इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके खूनी बवासीर को ठीक करने में काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको लेना है कुछ गुलाब के पंखुड़ियों को और तोड़ लेने के बाद आपको उसमें लगभग 50 ग्राम की मात्रा में पानी डालकर और इसे मिक्सर या ग्राइंडर की मदद से पीस लेना है। जब फ्रेंड्स आप इसे पीस लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पेस्ट कितना अच्छा तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आपको ये तैयार हो जाने के बाद ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि इसका सेवन कब करना है और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका सेवन लगातार 3 से 4 दिन तक करना है और फ्रेंड्स आपको इसका सेवन सुबह खाली पेट करना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसका सेवन लगातार 3 से 4 दिन तक करेंगे तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपको इसमें एक बात की और ध्यान रखना है, फ्रेंड्स जब आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आपको उसमें केले का सेवन नहीं करना है, आपको केले से दूर रहना है, केले को नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।